बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वसंत भाग दो का आखिरी पाठ विप्लव गायन पढ़ा रही हूँ, जिसका मैंने भावार्थ आपको पढ़ा दिया है और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। विप्लव गायन पाठ में ये बताया गया है कि समय बदलाव का है, तो कवि ने यहाँ पर बदलाव चाहा है, तो उन्होंने अपनी वीणा के तारों से क्रांति के गीत की झनकार सुनाने की कोशिश की है और उसी के लिए कवियों नवयुवकों का आह्वान किया है। इसीलिए इस पाठ का नाम उन्होंने रखा विप्लव गायन, यानी बदलाव का गीत, और उसी के आधार पर यहाँ प्रश्नोत्तर मैं आपको लिखवा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, और अगर किसी कारण से आपको कुछ कठिनाई लगे तो आप अवश्य पूछें, बताएं, तो मैं आ जाती हूँ सीधे प्रश्नोत्तरों पर और आपको प्रश्नोत्तर कराती हूँ, जिसको मैं आज समझाऊंगी आपको। और मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिख दिए हैं, और अगर आपको लिखते समय कठिनाई हो तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और फिर बाद में आप उसे लिख सकते हैं। अभी आप प्रश्नों के उत्तर समझ लीजिए, साथ साथ लिखना चाहते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप अच्छे से लिख सकते हो अगर तो, और आपको अगर कोई कठिनाई लगती हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये सारे फायदे आपको हो जाएंगे तो भी आप कर लेंगे। इसीलिए मैं किनारे खड़ी हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले प्रश्न पर आते हैं, और पहला प्रश्न पहले मैं पढ़ूंगी फिर आपको समझाऊंगी। कण कण में व्याप्त वही स्वर, काल कूट फण की चिंता मणि, ये जो आपका तीसरा अनुच्छेद कविता का है उसी को यहाँ पर पूरा लिखना चाहिए, तो उन्होंने डैश 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 लगाकर प्रश्न को लिख दिया है, अनुच्छेद पूरा न उतारने के कारण। आप भी ऐसे लिख सकते हैं, किसी अनुच्छेद को आपको लिखना है तो उसका पहले का शब्द फिर डैश 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 फिर आखिरी शब्द लिख देंगे तो वो स्पष्ट हो जाता है। और उस अनुच्छेद पर इन्होंने दो प्रश्न पूछे हैं जो मैंने यहाँ क और ख करके लिखा है। तो पहला प्रश्न क पढ़ती हूँ। वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान, किसके लिए किस भाव के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मैंने इसका उत्तर यहाँ बोर्ड पर लिखा है। वही स्वर वही ध्वनि वही तान नव निर्माण की राहें खोलने हेतु वह जनता को जागृत करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर कवि ने जो ये पंक्तियाँ कही हैं कि वही स्वर वही ध्वनि वही ताल किसके लिए, तो आज के युवकों के लिए है, कवियों के लिए, नौ एक नया निर्माण करने के लिए लोगों को जागृत करना चाहते हैं, लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि प्रेम के गीत का समय खत्म हो गया है, अब बदलाव का समय आ गया है, और उस बदलाव के लिए तुम्हें अपनी वीणा से वो ध्वनि निकालनी है, वो स्वर निकालना है जिससे
उथल पुथल मच जाए जिससे नया बदलाव आ जाए, क्रांति आ जाए। तो यही प्रश्न के उत्तर में उन्होंने समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं दूसरे प्रश्न को पढ़ती हूँ। इसका जो दूसरा प्रश्न है, ख, वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरी अंतर तर से, पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है। कवि का जो प्रश्न है वो ये है कि जो कविता में कहा गया है कि जो कविता की लाइनें हैं, मैं उन लाइनों को देखकर आपको, वही स्वर वही ध्वनि वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, जो ये निकला है, क्या दोनों में आपस का कोई संबंध है। प्रश्न ये है कि जो यहाँ पर कवि ने कहा है कि वो स्वर वह ध्वनि जो निकल रही है और अंतरात्मा की जो आवाज है, क्या दोनों में कोई संबंध है। तो इसका उत्तर यहाँ पर है, हाँ, इनका आपस में संबंध है। हाँ, इनका आपस में संबंध बनता है। उसकी यह तान उसके हृदय की गहराइयों से निकली है और इसीलिए इसका आपस में संबंध है। ये यहाँ पर कहा गया है कि इसका कोई संबंध है, तो आपको संबंध यहाँ बताना है। तो यहाँ संबंध है क्योंकि हृदय की गहराइयों से वही बात निकल रही है जिससे कवि आह्वान करना चाह रहा है, जिससे कवि लोगों को बुलावा भेजता है कि समाज में बदलाव लाओ, ये क्रांति का समय है। तो दोनों में यही है कि आपसी संबंध है कि ये हृदय की गहराइयों से निकली है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, दूसरा, नीचे दिए गई पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें, सावधान मेरी वीणा से, तो डैश डैश दोनों मेरी ऐठी हैं, उसी का आशय मैंने लिखा है। यद्यपि आशय वाले प्रश्नों को आपको स्वयं करना चाहिए क्योंकि मैंने भावार्थ इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है, और अगर भावार्थ बताया है तो भावार्थ और आशय एक ही चीज है, भावार्थ ही आशय है, तो आप उसका भावार्थ यहाँ लिखिए, आशय लिखिए। लेकिन मैंने प्रश्न चूंकि कम थे तो मैंने उसको करा दिया है। तो आशय स्पष्ट करने के लिए हम पढ़ दें कि आशय क्या है। ये प्रश्न संख्या 2 है, आशय स्पष्ट करें। तो कवि लोगों से कवि लोगों को, ध्यान से सुनिएगा और लिखते चलिए आप साथ साथ, कवि लोगों को परिवर्तन के प्रति सावधान कर रहा है कि उसकी यह तान हृदय की गहराइयों से निकली है। इस कठोर स्वर से, इस कठोर स्वर से उंगलियां घायल हो जाती हैं और मिजराबे भी टूट जाती हैं। तो इन पंक्तियों का ये आशय और भावार्थ है। आप इसे बिल्कुल यूं न लिख के अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अपने शब्दों में लिखा हुआ प्रश्नों का उत्तर भी सही होता है, बस उसकी भाषा उसकी मात्राएं सही होनी चाहिए। तो आप चाहे यहां से उतारें, स्वयं से लिखें, दोनों तरह से प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूं और आगे बढ़ते हुए
मैं आपको अगला प्रश्न पढ़ती हूँ कविता से आगे। कविता से आगे का जो प्रश्न है वो है, स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐसी कविताओं की चार चार पंक्तियां इकट्ठा कीजिए जिसमें स्वाधीनता के भाव ओज से मुखरित हों। तो बच्चों आप इसको, आप तो नई टेक्नोलॉजी में हैं, अगर आप लाइब्रेरी नहीं जा सकते, पुस्तकालय का उपयोग इस समय नहीं कर सकते, तो ई बुक तमाम यूट्यूब पर तमाम तरह पर इन लोगों की रचनाएं हैं, आप वहां से इनकी चार चार पंक्तियां लिखिए। ये आपका होमवर्क है, गृह कार्य है, एक्टिविटी कहना चाहिए, ये आपकी एक्टिविटी है, तो इसको आप करिए। और इसमें आप सबकी लिखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी की चार पंक्तियां लिखिए, इनकी एक कविता मुझे तोड़ लेना बनमाली तो वो लिखिए, मैथिली शरण गुप्त की कोई कविता लिख सकते हैं जिसमें राष्ट्रीयता का भाव हो, राष्ट्रीय कवि थे, होगा ही। सूर्यकांत त्रिपाठी का लिखिए, कोई चार पंक्तियां लिखिए, और निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखिए पंक्तियां। तो एक दो तीन, तीनों लोगों की एक एक रचनाओं में से कुछ चार पांच पंक्तियां आप लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका एक्टिविटी कहिए, गृह कार्य कहिए, होमवर्क कहिए, कुछ भी। मैं आगे बढ़ती हूँ और अनुमान और कल्पना पर आती हूँ। अनुमान और कल्पना में एक प्रश्न दिया गया है जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है, मुख्य रूप से देखा जाए तो बहुत पूछा जा सकता है कि कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए यह बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको बोर्ड पर लिख के यहाँ रखा है, दिखा समझा दूंगी। लेकिन बच्चों अनुमान और कल्पना के आधार पर ये निश्चित लगता है कि एक निश्चित समय के बाद मनुष्य को बदलाव की आवश्यकता होती है और उसी बदलाव को कवि ने महसूस किया। संभवतः इसी कारण कविता का शीर्षक ही उन्होंने रख दिया विप्लव गायन, यानी एक वो बदलाव लाना चाहते थे जिस बदलाव के लिए वो अपनी वीणा के तारों से, कवियों से कहते हैं कि वीणा के तारों में जो प्रेम का स्वर है उसे छोड़ो, अब समय परिवर्तित हो गया है, बदलाव का समय है, क्रांति का समय है, तो तुम अपने वीणा के तारों से ऐसी झनकार निकालो जिससे समाज में बदलाव आ जाए, जिससे समाज में क्रांति आ जाए, भले उसके चलते तुम्हारी उंगलियां घायल हो जाएं अथवा मिजराबे टूट जाएं, लेकिन जब समाज में बदलाव लाना है तो उसे एक धुन की तरह आह्वान करके कवियों को, नवयुवकों को सिखाना पड़ता है। तो यही यहाँ पर लिखा जाएगा, जिसको मैंने प्रश्न के उत्तर के रूप में यहाँ लिख भी दिया है। मैं आपको उसे पढ़ के सुना देती हूँ, मैंने आपको प्रश्न का उत्तर समझा भी दिया है, आप चाहे अपने शब्दों में लिखें या यहाँ उतारा हो, यहाँ से लिखकर आप उतारें, दोनों आपका सही है। तो मैं यहाँ पर अनुमान और कल्पना का जो ये पहला प्रश्न है जहाँ मैंने डॉट लगा दिया है, मैं उसी को उत्तर के लिए, क्योंकि कोई संख्या नहीं थी तो मैंने ये बड़ा सा डॉट लगा दिया कि आप समझ जाइए ये उसी प्रश्न का उत्तर है। तो इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बदलाव और क्रांति लाने की बात कही गई है। कवि अपनी वीणा से प्रेम की एक गीत न गाकर
प्रेम के की नहीं होना चाहिए, के होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सुधार देती हूँ। प्रेम के गीत न गाकर बदलाव और क्रांति के गीत गा पाए, जिससे उथल पुथल मच जाए। उन्होंने जो कविता में कहा है कि कुछ ऐसा करो कि जिससे पूरा वातावरण बदल जाए, एक नई क्रांति आ जाए, एक नई ज्योति जग जाए, ये उन्होंने कहा है। तो अनुमान और कल्पना के इस प्रश्न में यही लिखा जाएगा। फिर मैं आ जाती हूं भाषा की बात के प्रश्न पर, और वह पढ़ के आपको समझाती हूं उसे। कविता में दो शब्दों के मध्य एक डैश, देखिए ऐसे यहां मैं बना के दिखाती हूं, दिख रहा होगा, ऐसे छोटा सा लगा हुआ है। तो शब्दों के बीच में उथल पुथल के बीच में मैंने भी लगाया, आप देखिए उसे। तो वही कहा है कि का प्रयोग किया गया है जिससे उथल पुथल मच जाए, देखिए उथल पुथल के बीच में लगा है, एवं कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कण कण में। बच्चों एक कण कण है जिसको कहते हैं पुनरुक्त शब्द, और उथल पुथल में कहते हैं पुनरुक्त युग्म शब्द, शब्द युग्म शब्द का जोड़ा। एक शब्द सार्थक होता है उसमें एक निरर्थक होता है, लेकिन भाव की अभिव्यक्ति के लिए इन दोनों का योग बनता है, जिसके कारण से कहते हैं शब्द युग्म। तो यहां पर यही बताया गया है। व्याप्त वही स्वर, इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पुनरुक्त शब्द का प्रयोग कवि भावों को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए करते हैं, चाहे वो शब्द युग्म हो अथवा पुनरुक्त शब्द हो। लेकिन अगर हमें किसी बात को बहुत जोर देकर समझाना हो, प्रभावशाली ढंग से कहना हो, तो वहां पर पुनरुक्त शब्द का जो प्रयोग होता है बिल्कुल उचित होता है और प्रभावशाली भी होता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, या मैं बोर्ड पर लिख ही देती हूँ। तो मैं इस पहले प्रश्न को रब करती हूँ, आपको मिटा देती हूँ कि आप के कोई आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा, और आगे की चीजों को भी अगर आपको लगता है कि आप वीडियो देखते समय अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और आप आराम से पाठ को सुनने के बाद, प्रश्नों को समझने के बाद उसे लिख लीजिए। तो यही कहा है। तो मैं भाषा के प्रश्नों के उत्तर को समझाने के लिए यहां लिख देती हूं, भाषा की बा। प्रश्न में कुछ खास नहीं है यहाँ पर। जो पहला प्रश्न है उसमें खाली ये पूछा गया है कि जो डैश लगाया जा रहा है वो डैश क्यों लगाया गया है। तो उथल पुथल के बीच में, कण कण के बीच में, तो इसका उत्तर कुछ खास नहीं है। बस लिखेंगे काव्य को, काव्य को प्रभावशाली ढंग से, मैं थोड़ा इधर हट जाती हूं ताकि आप लिखते भी रहिए, काव्य को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए जैसे कण कण के लिए डैश योजक भी इसको कह सकते हैं, का प्रयोग किया
जाता है। बस बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट करने के लिए आप एक शब्द को दो बार प्रयोग कर देते हैं। अब मैं आपको इसको समझाने के बाद बढ़ती हूं दूसरे प्रश्न को, पढ़ती हूं, अगर उसमें कुछ कराने लायक है तो मैं उसको भी करा देती हूं। कविता में पूर्ण विराम और अल्प विराम करके कॉमा और फुल स्टॉप के लिए यहां पर देखिए निशान लगाया है, एक छोटा सा ऐसे कॉमा बनाया है, फिर एक ऐसे लकीर है, ये दोनों निशान यहां पर क्वेश्चन के साथ दिखाए गए हैं, तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद आदि जैसे विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने अथवा किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी जैसी भाषा में अगर विराम चिन्ह के स्थान को आप सही ढंग से बोलते समय प्रयोग नहीं करेंगे तो भाषा का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। मैं एक वाक्य आपको बोलती हूं, एक वाक्य है रोको मत जाने दो, तो यहां पर रोको के बाद पॉज हुआ है, कॉमा मत जाने दो, लेकिन इसी कॉमा को बोलते समय, क्योंकि हम बोलते समय आपको विराम चिन्ह नहीं बोलते हैं, ये लैंग्वेज है, लिटरेचर है, हमारे बोलने के तरीके हमारे भाषा के गति से आप विराम चिन्ह पहचानते हैं। अगर इसी भाषा को हम बोलते समय रोको के बाद सांस लेंगे तो कॉमा हो जाएगा वहां, लेकिन मत के बाद लगाएंगे तो अर्थ बदल जाएगा, रोको मत जाने दो। अगर हम इसी को कहें रोको मत जाने दो तो भाव बदल गया। तो ये हिंदी है, अगर आप बोलते समय विराम चिन्ह को सही ढंग से नहीं प्रयोग करेंगे तो शब्दों का आशय परिवर्तित हो जाएगा, अर्थ परिवर्तित हो जाएगा और उसका कुछ दूसरा अर्थ निकलने लगेगा। तो ये होता है बात को सही ढंग से बोलने की लय गति, जिसमें विराम चिन्ह के माध्यम से हम लेखन में दिखाते हैं। कविता पढ़ने के नियम, कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों को प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देशराज जाता है, यानी पूर्ण विराम हमेशा वाक्य के अंत में आता है। उनके कहने का मतलब यह है कि गद्य अगर हम लिख रहे हैं, वाक्य लिख रहे हैं, तो राम खाना खाता है, मोहन बाजार जाता है, इस तरह करके ये है जो है समाप्ति क्रिया के रूप में हमेशा अंत में आता है। लेकिन कविता में ये बाध्यता नहीं है, कविता में समाप्ति क्रिया को हम बीच में भी जोड़ सकते हैं। तो यहां पर जो शब्द है कण कण में व्याप्त डैश 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 वही तान गाती रहती है, कण कण में है व्याप्त, देखिए है यहां बीच में आया, मैं इसको इस लाइन को अनुच्छेद से पढ़ रही हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए, कण कण में है व्याप्त वही स्वर। अब यहां काव्य में अगर है शब्दों के बीच में आया है तो प्रभावी बनाने के लिए, लेकिन गद्य में है क्रिया के रूप में, समाप्ति क्रिया के रूप में अंत में आता है, तो वहां पर वो समाप्ति क्रिया हो जाती है, लेकिन यहां भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। तो यही यहां पर समझाए हैं, इन पंक्तियों में है शब्द का है, इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छांट कर लिखिए। तो यानी आपको इसमें कुछ नहीं करना है,
कविता की वो पंक्तियां अपनी कॉपी पर आपको लिखनी है जिनमें है शब्द का प्रयोग बीच में है। जैसे मैंने आपको पढ़ के पहली लाइन सुना दी, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, तो है यहाँ बीच में आया है, रोम रोम गाता है, तो ये आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए लाइनें। आज देख आया हूं, इसको अपनी कॉपी पे उतारिए जीवन के। तो इस तरीके से आपको ये तीनों पंक्तियां अपनी कॉपी पे लिख लेनी है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से देखिए, और है पंक्तियां हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, डैश डैश डैश, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर इधर से आए। मैं पंक्तियां पढ़ देती हूँ पूरी पूरी जो कविता में है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो ये पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसे तुकबंदी या अंत्या अनुप्रास कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में राइमिंग वर्ड कहते हैं। जब कविता के जो अंतिम वर्ण होते हैं एक से मिलते जाते हैं, आते जाते खाते पीते, तो ये ते 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 जो लास्ट में आ रहा है इसी को हम कहते हैं अंत्या अनुप्रास, या तुकबंदी कह सकते हैं, राइमिंग वर्ड कह सकते हैं। कविता में तुकबंदी के और शब्द पद से छांट कर लिखिए। तुकबंदी के इन छांटे शब्दों से अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए और कविता पढ़िए। तो कविता बनाना आपका होमवर्क है, लेकिन जो शब्द हैं तो वो शब्द आप रेखांकित करिए अपनी कॉपी पर। जैसे मैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, अब जाए फिर आए, फिर देखिए एक हिलोर इधर से आए फिर आए आया, यानी जाए आए, और बैठी है ऐठी है। देखिए मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। उस प्रश्न को मैं प्रश्न ना लिख करके सिर्फ उत्तर आपको लिख के बता देती हूँ कि बैठी है जो इसका दूसरा प्रश्न है, तीसरा, जो दूसरा तो आपका होमवर्क है, तीसरा प्रश्न का उत्तर है, उसमें आपको तुकांत वाले शब्दों को जोड़ना है। बैठी है तो हो जाएगा ऐठी है, बैठी है ऐठी है, देखिए ऐठी है, ये दोनों तुकांत शब्द हो गए। फिर है क्रुद्ध, क्रुद्ध, फिर उसके साथ क्या है, रुद्ध आया है, क्रुद्ध के साथ युद्ध जुड़ सकता है, रुद्ध जुड़ सकता है, तो आप किसी भी शब्द को जोड़कर कविता बना सकते हैं। इधर उधर, इधर उधर, तो मैंने तीन चार शब्द यहाँ बोर्ड पे लिख के आपको बता दिया कि तुकबंदी में ऐसे ही शब्दों का पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, जिसे हम तुकबंदी के रूप में होते हैं। और इधर उधर, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, तो आप इनको जोड़ के कविताएं बनाइए तो तुकबंदी कहेंगे। आपने देखा होगा कि तुकबंदी के चलते कविताओं में एक सौंदर्य आ जाता है, जिसको व्याकरणिक सौंदर्य के दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम उसे कहते हैं अंत्या अनुप्रास। तो यहाँ पर यही कहा है, कविता का जो स्वर है, देखिए मैं एक दो और पढ़ के सुना दूं। वह राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास के महानास के पोषक सूत्र परख आया हूं। तो देखिए दोनों में आया हूं, आया हूं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे शब्द हैं, थोड़े एक दो और पढ़ दूं।
मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में तल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। तो रुद्ध युद्ध क्रुद्ध, तीन शब्द दिख रहे हैं मुझे यहां पर, रुद्ध क्रुद्ध युद्ध, ये हुए आपके शब्दों का पेयर बन रहा है, जोड़े बन रहे हैं। तो आप ऐसे शब्दों को कविता से अंडरलाइन करके, रेखांकित करके अपनी कॉपी पे लिखिए। मैंने एक तो यहाँ बोर्ड पर भी लिख दिए हैं, और जिससे कि आपको उसका जोड़ा बनाना आ जाए और आपको कोई कठिनाई ना हो। और भाषा के प्रश्न में और कुछ नहीं है इसमें, मैंने आपको पूरा भाषा के प्रश्नों को समझा भी दिया, जो जरूरी चीजें थी वो मैंने बोर्ड पर लिख दी, ताकि आप अपने प्रश्नों को उत्तर के रूप में अपनी कॉपी पर लिख लें। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो देखते समय किसी तरह की कठिनाई हो तो आप उस चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पॉज कर करके, रोक रोक करके आप प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। लेकिन आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, इसीलिए मैं किसी भी प्रश्न को छोड़ती नहीं हूं, और मैं आपको पाठ में आए पीछे अनुमान कल्पना के हो, कुछ करने को हो, एक्टिविटी हो, सब कुछ समझाती हूँ। उसमें से कभी भी कोई भी प्रश्न आपको करने को दिया जा सकता है, एक्टिविटी के रूप में दिया जा सकता है, तो आपको वो अच्छी तरह आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा पाठ शुरू से लेके अंत तक, दो वीडियो में है, वो आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये वसंत भाग दो का अंतिम पाठ था, इसके सारे पाठ यहाँ पूरे हो गए। अब इसके बाद महाभारत जो है आपकी पुस्तक, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, जहाँ पर 20 तक मैंने पढ़ाया, उसके बाद के प्रश्न को पढ़ाऊंगी, पाठों को और प्रश्नोत्तर। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, और अगले नए पाठ के साथ पुनः आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में।